हमारे काफ़ी सारे व्यूअर ने पूछा है कि सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बार बार हमारा लॉस हो रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग नहीं करता हूं, या मैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर इन्वर्टेड हैमर इस पर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक एडवांस लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पर काम करता हूँ। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से डिमांड जोन को हमको ट्रेड करना चाहिए जिससे हम मार्केट में एक बेहतर पैसा बना सकें। तो दोस्तों आप जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा, पूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपके पास कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और यकीनन अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो मार्केट से आप पैसा बनाएंगे नहीं, छापेंगे। दोस्तों एक ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पर दो फिगर हैं, आप देखिएगा, एक यहाँ पे फिगर है और सेकंड फिगर हमारा ये है। ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिमांड जोन। बाकी डिमांड जोन क्या है से लेकर एक एडवांस लेवल तक कैसे उस पर ट्रेड करी जाती है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। उसको आप देखेंगे तो आपको पूरी पूरी बेसिक टू एडवांस तक की हर बातें समझ में आ जाएंगी दोस्तों, कि ऑपरेटर कैसे ट्रेड करते हैं, हम लाइव मार्केट में ऑपरेटर के साथ में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पूरा इजी है दोस्तों, एकदम हलवा है ऑपरेटर साथ ट्रेड करना, एकदम हलवा दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी डिमांड में ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम भी डिमांड को पहचानना शुरू कर देंगे और सही एंट्री करना शुरू करेंगे तो बस सीधी सी बात है, समझ लीजिए हमने भी ऑपरेटर साथ में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन यह है हमें कौन सा डिमांड जोन ट्रेड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं चार्ट पर, एक होता है लोकेशन, हमारे कर्सर पर देखिएगा, एक होता है लोकेशन और एक होता है जहाँ पर हम बनाते हैं पोजीशन, जिसको हमने लिखा है एंट्री से। ठीक है दोस्तों, लोकेशन अभी हम दो टाइप का डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट लोकेशन को हम बोल रहे हैं MIT एंड सेकेंड लोकेशन को हम बोल रहे हैं WIT। MIT का मतलब होता है मंथली इनकम ट्रेड, WIT का मतलब है वीकली इनकम ट्रेड। अब ये क्या है लोकेशन, क्या है एंट्री, कैसे ट्रेड लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, सारी बातें आपको एकदम इजी होने वाली हैं, सब कुछ समझ आपको आने वाला है। अब दोस्तों क्या है MIT, अगर लोकेशन है, अभी आपके पास कोई डाउट नहीं है, अब लोकेशन क्या बता दूंगा मैं, अभी आप मान लीजिए कि MIT का लोकेशन है, मतलब MIT मतलब मंथली, अगर मंथली का लोकेशन है मतलब मंथली का डिमांड जोन है तो हम एंट्री कर लेंगे। उस मंथली के डिमांड जोन के अंदर हम डेली के टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे। मतलब अगर मंथली का डिमांड जोन हमारे पास में है तो हम डायरेक्ट मंथली पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हम उस मंथली के डिमांड जोन के अंदर जाएंगे, डेली के टाइम फ्रेम को देखेंगे, वहां पर हम बनाएंगे पोजीशन। ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक लॉजिक है। दोस्तों क्या होता है, ट्रेडिंग जब करनी है तो हमें यह रखना है ध्यान कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा से छोटा हो और टारगेट हमारा बड़ा से बड़ा हो और इंतजार भी कम से कम करना पड़े। यही तो है हमारा टारगेट, कि इंतजार कम करना पड़े, स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। इसलिए जो एंट्री रखी गई है वो छोटे टाइम फ्रेम पर रखी गई है और लोकेशन हम बड़े टाइम फ्रेम पर रखते हैं। ठीक है, तो लोकेशन अगर मंथली का है तो एंट्री हम डिलीव करेंगे, बाकी लोकेशन क्या है एंट्री क्या है बताऊंगा आपको, चार्ट बताऊंगा आपको। और अगर लोकेशन WIT है मतलब वीकली की लोकेशन है तो हम एंट्री रखेंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 125 मिनट या 75 मिनट पर। कैसे करेंगे अभी आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो ये दोनों स्ट्रक्चर दो हैं डिमांड जोन के स्ट्रक्चर हैं, मतलब एक रेड कैंडल है, आप यहां देखते होंगे कैंडले, ये दो कैंडले हैं, ये ब्लू कलर की कैंडले हैं ब्लू। अब आप कहेंगे सर मार्केट में कोई ब्लू कैंडल होती नहीं है, एक्चुअली दोस्तों कुछ कैंडल ऐसी होती है जिनके कलर का कोई मतलब नहीं होता है, उनके कलर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कैसी कैंडल मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही बना रहा हूं कैंडल दोस्तों, ये देखिएगा इस कैंडल, देखिए दोस्तों एक कैंडल मैं ये बना रहा हूं, कहने को आपको एक कैंडल एक हैमर से लगेगी, लेकिन सब में कुछ चीज़ें आपको एकदम सेम दिखने वाली हैं कि मैच करेंगी, चाहे हैमर हो इन्वर्टेड हैमर, सब कुछ मैच करने वाला है। ऐसी कैंडल, चाहे आप इसको हैमर बोलिए,
चाहे मटर हैमर, चाहे शूटिंग स्टार, चाहे जो बोलिए, सब में एक बात बहुत ही कॉमन है। क्या? इनमें जो बॉडी पार्ट है, ये तो बॉडी होती है, इसकी बॉडी है, यहाँ से इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी है, जो बॉडी पार्ट है उसके कंपेयर में जो बिके हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। बिक क्या होती है? शैडो तो होती बिक, बॉडी केवल यहीं से लेकर यहाँ तक है, लेकिन जो शैडो है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, बॉडी केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन शैडो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ऐसी कंडस में बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो, जो हमारा कलर पार्ट होता है, कलर पार्ट जिसमें बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो और बिके और शैडो बहुत लंबी लंबी निकली हो, उनको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो ये सभी का कोई कलर हो, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ऐसी कैंडल को सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो है बेस कैंडल, बस। ना तो हैमर पर ट्रेडिंग करते हैं, ना इन्वर्टर हैमर पर ट्रेडिंग करते हैं, ना शूटिंग स्टार पर ट्रेडिंग करते हैं, हम इस पर ट्रेड करते ही नहीं हैं। हम तो जब ट्रेड करते हैं तब बनता हैमर, हम हैमर बनने के बाद ट्रेड नहीं करते हैं, हमारे पोजीशन बनाने के बाद बनता है हैमर। या बात समझ लीजिए, हम इतने एडवांस लेवल की आपसे बात कर रहे हैं कि अब आपको हैमर बनने के बाद ट्रेड नहीं करनी है, आप बाई करेंगे तो हैमर बनेगा। तो इस पे हमको काम करना दोस्तों। तो ऐसी कंडल जब जो होती है ना, बोलते हैं बेस कंडल, ये दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती है। यहाँ पे दो कंडल दिखा रखा है, इसमें हमने दिखा रखा है एक कंडल, ठीक है, कहीं तीन भी होंगी, चार भी। हाँ, ध्यान रखना है हमको मैक्सिमम केवल चार बेस कैंडल तक ही डिमांड जोन जो है उसको लेना है, बस। जिस भी डिमांड जोन के बीच में, मतलब जो भी बेस कैंडल्स हैं, अगर इनकी संख्या पाँच, सॉरी हाँ पाँच मान लीजिए, पाँच तक है तो भी ले सकते हैं, चार या पाँच मान लीजिए, लेकिन पाँच से ज़्यादा अगर बेस कैंडल है तो ऐसे डिमांड जोन को हम ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, हम चार्ट के हर प्राइसन को समझना शुरू कर देंगे, और जब हम ट्रेड के साथ में इंडेक्स को मिक्स करना शुरू कर देंगे, तो पाँच के हम छः सात बेस कैंडल पर ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। वो कॉन्फिडेंस तभी बन के रहेगा जब हमें टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और स्टॉप लॉस कम से कम मिले। दोस्तों अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टॉप लॉस से कोई नहीं बचा है, लेकिन हमने ध्यान रखना है अगर हमने 10 ट्रेड करी है तो कम से कम 7 ट्रेडें ऐसी हो जिसमें टारगेट मिले, 3 ट्रेड में असल हो गया तो कोई बात नहीं, होता है तो हो जाए, ठीक है। तो ये अब दो डिमांड जोन है, अब हम किसको देंगे कि ये बेस्ट है, एक है बेटर, एक बहुत अच्छा है, एक थोड़ा अच्छा है। तो मैं इस वाले को बोलूंगा ये बेस्ट है, डबल ट्रिक ये बेस्ट है, इसको दूंगा सिंगल ट्रिक, ये ठीक ठीक ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है। क्यों? हम किसी भी डिमांड जोन में जो ग्रीन कलर से बनी है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो जो हमारा मोटिव होता है ग्रीन कलर को देखना, ग्रीन कलर कितनी है। जिस डिमांड जोन में ग्रीन कैंडल जितनी ज़्यादा होंगी वो डिमांड जोन उतना ही अच्छा होगा। इसमें तीन बेस सॉरी तीन इसमें कैंडलें ज़्यादा हैं, तीन कैंडलें हैं तो ये अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे एक डिमांड और बनाया होता और उसमें चार कैंडलें होती ग्रीन कैंडलें, तो जिसमें चार ग्रीन कैंडल्स हैं वो और भी अच्छा हुआ, फिर वो सबसे अच्छा होता, उससे कम अच्छा ये और सबसे कम अच्छा ये। मतलब ग्रीन कैंडल्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा वो डिमांड जोन उतना ही स्ट्रांग होगा। तो अगर सपोज करिए हमारे पास, देखिए स्टॉक मार्केट में हजारों शेयर हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोज करिए एक ही टाइम पर दो हमको स्टॉक मिले, एक में ऐसा स्ट्रक्चर है एक में ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उस टाइम पे हमको ऐसे वाले स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देना है, यहाँ पे ट्रेड करनी है, इस वाले को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। करेंगे तो मजबूत और स्ट्रांग डिमांड ट्रेडिंग करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। एक एक्सपीरियंस होने के बाद में सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, फिर तो आप बिना डिमांड जोन के भी कुछ ऐसे प्राइस होते हैं जहाँ पर आप बहुत ही पैसा बना सकते हैं, एक एक बिक पकड़ करके पैसा बना सकते हैं, सब आपको आ जाएगा, सब कुछ आएगा, कोई पैसा आपको कहीं नहीं देने की जरूरत है, सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। तो बात क्लियर हो गई कि इसको हम देंगे प्रेफरेंस, इसको देंगे प्रेफरेंस, इसको थोड़ा कम देंगे प्रेफरेंस। ये सब चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? इस वाले पोर्शन में, कहाँ पर? ये एंट्री वाले एरिया में, जहाँ पर हमको एंट्री करनी है वहाँ पर हमें ये सब बातें ध्यान रखनी है कि हमें वो वाले डिमांड जोन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है जिसमें ग्रीन कैंडल्स का नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। जिसमें कम ग्रीन कैंडल है ऐसे डिमांड को हमें अवॉइड करना है। अभी लोकेशन क्या है,
इंट्री क्या है, कैसे करते हैं बताता हूँ आपको लाइफ चार्ट पर। मैंने कहीं पर ज्यादा ध्यान देंगे MIT दिया, WIT दिया, बट हमने कहीं पर DIT शब्द नहीं लिया, मतलब डेली का शब्द नहीं लिया। क्यों? लोकेशन DIT तो यूज ही नहीं करना है, MIT WIT नीचे हमको ट्रेड अभी फिलहाल करनी ही नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। अब आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली क्या है, मैं आपको क्लियर कर बताता हूं कि इसमें एक्चुअली क्या है, लोकेशन क्या है, क्या है, ठीक है। ये हमारे सामने दोस्तों M&M का चार्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। अब मैं दिखाता हूं आपको चीज सॉरी दोस्तों, आप देखेंगे यहां पर एक डिमांड जोन है, इस वाले देखिएगा एरिया को, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एक्चुअली ऐसे भी डिमांड, ये तो हमने बना दिया था एक, इसे बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन, और हमारा डिमांड जोन ऐसा भी होता है। मैं आपको एक पिक्चर बना देता हूं, ऐसे भी डिमांड जोन होते हैं मार्केट में, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं। मैं ही बना देता हूं, जैसे एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या फिर एक बेस कैंडल है, ठीक है, उसके बाद फिर एक हमारे पास में ग्रीन कैंडल है, ये भी तो हमारा डिमांड जोन हो गया दोस्तों, ये भी हमारा एक डिमांड जोन ही हुआ दोस्तों। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि मैं एक बना रहा हूँ रफली, कोई वो नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर भी मतलब जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। बाकी दोस्तों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिमांड जोन कितने टाइप के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूस पैटर्न का सारी वीडियो मैंने पूरी डिटेल में अपलोड कर रखी है, और सभी वीडियोज़ का मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। अब दोस्तों चलिए, क्या है अगर मैं सारी बातों को इसी में मिक्स करूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी समझने में, और वीडियो हमें लगता है ये 2 घंटे की बन जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती थी, ठीक है, और रेड कैंडल भी हो सकती है और रेड की जगह ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। देखिए आप क्या है, ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो ये भी डिमांड जोन है। तो आते हैं हम यहाँ पर, देखते क्या हुआ पिक्चर में। जो आप लोग ट्रेड करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे लोग ट्रैप हो रहे हैं, मैं बताता हूँ उनके लिए है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक डिमांड जोन है, इसको अगर आप रेड कैंडल मान लीजिए, कहीं ऐसे डिमांड जोन है दोस्तों, आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, आप इस वाले पिक्चर को ध्यान रखिएगा, एक रेड कैंडल है, यहाँ 2 बेस कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। यही आप देखिए स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यही दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये एक रेड कैंडल है, एक बेस कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, देखिए ध्यान देखिए दोस्तों, यही तो है यहाँ पर, देखिए एक रेड कैंडल है, ये छोटी सी जो कैंडल है क्या बोलते हैं, बेस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल है। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, मार्किंग का रूल वही है, जो बेस कैंडल है उसकी बॉडी से एंट्री लाइन और उसी बेस कैंडल की विक से जो लोअर विक नीचे, यहाँ से हम स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा करते हैं, आप देखेंगे मार्केट आती है और इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है, टूट गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन हमने कभी इस डिमांड जोन को अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया ही नहीं था। मुझे पता था पहले से कि ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा, मुझे पता था। बताओ रीजन क्या है, हमने कहा आपको कम से कम, अभी अभी आपको बात ही क्लियर होगी कि लोकेशन क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, एंट्री क्या है। जरा आप जाते हैं बिकली पर, बोला ना WIT बिकली बोला ना, आप देखिए दोस्तों यही होता लोकेशन। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं, हम देख रहे हैं यहां पर एक बिकली का डिमांड जोन है, देखिए 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, और आप क्या करिए, इन तीनों को हम एज ए बेस कैंडल कर रहे हैं कंसीडर। किन किन कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल, कौन सी कैंडलें ऑलमोस्ट बेस कैंडल होती हैं, आप समझ लीजिए जो भी कैंडल्स छोटी छोटी होंगी, अब आपको रखने में बड़ी दिख रही होगी, मुझे पता है बहुत बड़ी दिख रही होगी, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए दोस्त, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, जो ये कैंडल है जिसको आप बोलते हैं इन्वर्टर हैमर या शूटिंग स्टार जो बोलते हैं, है तो बेस कैंडल, क्योंकि बॉडी छोटी है, बिग बहुत बड़ी है, बेस कैंडल है। आप बताइए इसी बेस कैंडल के रेंज में कैंडल है, नहीं कैंडल है,
ये जो बेस कैंडल है इसी के रेंज में कैंडल सब है ना, रेड वाली भी ग्रीन वाली भी ना। तो बेस कैंडल की रेंज में जितनी भी कैंडल आपको दिखे सबको आप बेस कैंडल मान लीजिए, बात खत्म, सोचना नहीं है। बेस कैंडल की रेंज में जो कैंडल आपको बेस कैंडल लग रही हो उस बेस कैंडल के रेंज में देखिए जो भी कैंडल है सब क्या हो गई, बेस कैंडल। तो ये बेस कैंडल हो गई, इसी रेंज में दोनों कैंडल तो हैं, देखिए इसी रेंज में दोनों हैं, तो ये हो गई बेस कैंडल। मतलब ये तीनों मारे बेस कैंडल। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं, बता आपको रूल अभी हमने आपको यही कि जो भी हमारी कैंडल है उसके बॉडी से क्या होती है एंट्री लाइन, और उन सभी बेस कैंडल की जिसकी बिग नीचे वहां से क्या होती है हमारी स्टॉप लॉस पॉइंट। यहां पर हमने ये जो बीकली का डिमांड जो मार्क किया दोस्तों ना, दोस्तों हमने जो बीकली का डिमांड मार्क किया ये लोकेशन हो गई। अब हम भी एंट्री नहीं करने वाले हैं, क्यों? अगर यहाँ एंट्री करेंगे तो क्या होगी, 1411 ये लाइन क्या देखिए क्या है, 1411, 1411 पे एंट्री है, मतलब शेयर यहाँ आएगा 1411 पे एंट्री है, और 1345 स्पेशल है, बहुत ही डिस्टेंस हो रहा है, लगभग 55-65 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे जा रहा है। तो वीकली में जो भी आपको डिमांड जोन दिखाई दे उसको पहले मार्क कर दीजिए। हमने इसको वीकली के डिमांड जोन को मार्क कर दिया। अब हम डेली के टाइम फ्रेम पर एंट्री करते, किस पे करते हैं? अगर WIT ट्रेड है तो बता दें आपको 1 आवर, 2 आवर, 125 मिनट, 2 आवर, इसमें एंट्री करते हैं। चलिए हम तो 125 टाइम फ्रेम यूज करते हैं, देखते हैं अब उसी वीकली डिमांड जोन के अंदर देखते हैं। देखिए दोस्त क्या बेहतरीन एंट्री मिली, क्या बेहतरीन, यही वीकली डिमांड मार्क किया था। अब आप खुद देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, देखिए एक रेड कैंडल है और ये 1 2 3 4 क्या है बेस कैंडले हैं। ये जो छोटी छोटी कैंडल से क्या हमारी हो गई बेस कैंडल हो गई, और एक रेड कैंडल जो डिमांड जोन आपको दिखाया है एक रेड कैंडल होगी, बीच में बेस कैंडल्स होंगी, वो एक हो सकती है, 2 3 4 हो सकती है, 4 बेस कैंडल है, एक फिर ग्रीन कैंडल है। अब इस वाले डिमांड जोन को पहले वीकली मार किया, उस वीकली के डिमांड जोन के अंदर हमको 125 मिनट, 2 आवर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन देखना है कहां पर अच्छा है। तो यही वीकली के ऊपर ही एरिया में एक डिमांड जोन पड़ रहा है, तो इस वाले डिमांड पर हम ट्रेड करनी है। कैसे करनी है? अब इस वाले डिमांड पर ट्रेड करनी है, ये तो बिकली की लाइन हमने खींच रखी है। अब हम लाइन ड्रा करेंगे, इस वाले को मार्क करेंगे, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, इसका मैं कर दूंगा ग्रीन। तो जो बेस कैंडल है उसकी बॉडी से एंट्री लाइन, और उन सभी बेस कैंडल जिसकी बिक सबसे नीचे गई है वहां से क्या करेंगे स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा करेंगे। बात समझ लीजिए, फिर से एक बात, कोई दिक्कत नहीं है, भागना हमको नहीं है। पहले हमने यहाँ पर एक वीकली के डिमांड जोन को मार्क किया, अब इस वीकली के डिमांड जोन के अंदर हमको 125 मिनट, 2 आवर, 1 आवर के टाइम फ्रेम को ओपन करना है। सीधी सी बात है, हमने 125 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया दोस्तों, ये देखिए अब हम देख रहे हैं उसी वीकली डिमांड जोन के अंदर यहाँ पर बेहतरीन एक, यहाँ देखिएगा एक रेड कैंडल है, बाकी 1 2 3 4 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, ये डिमांड जोन है, बन गया। जब कि आप समझा हमने आपको पेंट पर, अब क्या करते हैं, अब इस पर हमको ट्रेड करनी है। अगर बिगली ट्रेड करते तो आप एंट्री यहाँ करते और स्टॉप लॉस यहाँ रखते, फायदा क्या हुआ, 125 में कन्वर्ट कर दिया हमने, फायदा ये हुआ कि यहीं पर एक डिमांड जोन हमको ऊपर ही मिल गया, तो एंट्री हो गई, और उसी डिमांड जोन में जिस बेस कैंडल सबसे बिग सबसे नीचे वहाँ से क्या हो गई स्टॉप लॉस पॉइंट। देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखिए गिरते हुए शेयर आता है, और आप खुद देखिए क्या बेहतरीन एंट्री मिलती है, क्या बेहतरीन एंट्री। अब आप कहेंगे एंट्री मिस हो गई, जी नहीं, जब आप डिमांड जोन वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने क्लियर कट बता रखा है, एंट्री लाइन से थोड़ा ऊपर हमको एंट्री करना है और स्टॉप लॉस पॉइंट से थोड़ा नीचे असल रखना है। मार्केट में थोड़ा सा क्या रखना है, टॉलरेंस दोस्तों, टॉलरेंस भी कोई चीज होती है ना, थोड़ा अपने आपको बचाना, यही एंट्री नहीं कर लेंगे, थोड़ा ऊपर एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ क्या एंट्री का अंतर है, ये 2 रुपये 4 रुपये ऊपर एंट्री तो करेंगे ना, क्योंकि एकदम हम यही रहेंगे कि नहीं ब्लाइंड टच करें तो एंट्री आपकी मिस हो सकती है, और स्टॉप लॉस जहाँ है वहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखेंगे। क्यों रखेंगे, कहीं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा ना हो और हम स्टॉप लॉस अपना बहुत ही ऊपर रखेंगे तो हिट हो सकता है, थोड़ा दूर कर देंगे। तो देखिए प्रॉपर दोस्तों, कोई कहने की बात नहीं दोस्तों, आप खुद देखिए क्या परफेक्ट एंट्री मिली, शेयर गिरते हुए आता है और यहाँ एंट्री बनती है, उसके बाद देखिए क्या रैली जा रही है, क्या मूव आ गया।
ठीक है। तो ये हमने लोकेशन बता दिया, पहले बड़े टाइम फ्रेम खोलेंगे, मिला के सीधे आपको वीकली खोलना है। वीकली का डॉट जुमान जो मिले उसको आप मार्क करिए, आप तुरंत आप अपने चार्ट को 125 मिनट, 2 आवर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चेंज कर दीजिए। आप उसी वीकली डिमांड जोन के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पर कहीं पर कोई डिमांड जोन हमको मिल जाए जहाँ पर प्राइस जमाए, तो उसी डिमांड जोन का हम एंट्री ऐसे लेंगे, वीकली का नहीं लेंगे एंट्री, सर वीकली के एक एरिया मार्क कर देंगे। उस वीकली के अंदर हम किसी एक छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर, 2 आवर, 125 मिनट के एक डिमांड जोन को देखेंगे कहाँ पर है, उस डिमांड जोन पर हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। और लोकेशन कम से कम वीकली या मंथली को नीचे, उससे नीचे ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक चीज, यहाँ पर दिखा रही आपको, यहाँ पर एक सिंगल डेली था, यहाँ पर डेली का डिमांड जोन खरीदा है, वीकली नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन जो यहाँ पर डिमांड जोन था क्या बेहतरीन। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, कोई यहाँ पर आपको 125 मिनट अगर एक बार को आप ना भी रखते यहाँ पर, तो भी आपके लिए कोई डेली के टाइम फ्रेम पर ही परफेक्ट डिमांड जोन था। यहाँ पर हर बार आपको 1 आवर, 2 आवर नहीं यूज करना है, वीकली का अगर टाइम लोकेशन है तो आप डेली के टाइम फ्रेम पर भी एग्जीक्यूशन पर एंट्री देख सकते हैं डिमांड जोन। अब देखिए यहाँ पर वीकली का डिमांड जोन था, और वहीं पर देखिए क्या बढ़िया है, एक ग्रीन कैंडल, 2 बेस कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी एकदम हमको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है, हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या परफेक्ट एंट्री हुई डेली के टाइम फ्रेम पर, तो पूरी एंट्री हुई परफेक्ट, देखिए पूरी एंट्री हुई, देखिए क्या बेहतरीन एंट्री हुई, और पूरा नॉन स्टॉप से ऊपर जा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम है तो हम 1 आवर, 2 आवर, 125 जा सकते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम, बट अगर हमको थोड़ा डेली पर ही मिल जा रहा है, मतलब वीकली का टाइम फ्रेम है तो उससे एक स्टेप नीचे डेली पर, और अगर मंथली का टाइम फ्रेम है तो उससे एक स्टेप नीचे हम डेली के टाइम फ्रेम पर भी एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप नीचे एंट्री करेंगे, एक स्टेप नीचे कर एंट्री करेंगे तो उससे क्या होगा, टाइम फ्रेम भी छोटा होगा, और टाइम फ्रेम जब छोटा होगा तो छोटे टाइम फ्रेम पर एसएल भी क्या होगा, छोटा होगा। ये जिम्मेदारी रखनी है, आप देख रहे होंगे ये सारी बातें जो हमने आपको बताई दोस्तों, इन सारी वीडियोस का मैं अलग अलग की वीडियो बना रखी है, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। मैं आपको एक शेयर दिखाता हूं दोस्तों, एलएनटी फाइनेंस है दोस्तों, बहुत ही अच्छा शेयर है, इसमें आपको अच्छा एग्जांपल मिलने वाला है एलएनटी फाइनेंस में। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर डिमांड जोन है, देख लीजिए यहां पर क्या है, अभी जो हमने आपको 2 डिमांड बताया था, आप इस चीज को देखिए ध्यान से, यहां पर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, इसी टाइप का डिमांड जोन तो है। देखिए एक ग्रीन कैंडल, फिर एक बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन, कितना अच्छा डिमांड जोन था डेली का, कितना अच्छा डिमांड जोन था। बट आप देखेंगे ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया, अगर आप इसकी मार्किंग कर भी देते हैं तो कैसे करेंगे, जो बेस कैंडल है उसकी बॉडी से एंट्री लाइन, और उस बेस कैंडल की जो ये शैडो सबसे नीचे है वहाँ से क्या स्टॉप लॉस पॉइंट, देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, टूट गया। क्यों, क्योंकि जहाँ पर हमने डेली का मार्क किया है, आइए देखते हैं क्या वहाँ वीकली था या मंथली था, हमने कहा था सिर्फ वीकली या मंथली का लोग चेंज करेंगे, उससे नीचे नहीं। आप देखिए यहाँ पर वीकली का डिमांड जोन नहीं था, वीकली कहाँ है, देखिए ग्रीन कैंडल, एक बेस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, रूल क्या है, अगर इसकी मार्किंग करें इस ग्रीन, मतलब इस हम वीकली के डिमांड को अगर मार्किंग करते हैं दोस्तों, क्या होगा, जो बेस कैंडल है इसकी बॉडी से एंट्री लाइन, तो करते हैं एडजस्टमेंट इसी लाइन से, ये हुई हमारी एंट्री लाइन, और उस में से यहाँ पर क्या कर देंगे हम स्टॉप लॉस पॉइंट। ये एक एक्सेप्शनल मार्किंग है, हमने मार्किंग किया, ये एक बढ़िया, एक ग्रीन कैंडल, एक बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, एक वीकली डिमांड जोन है। आप देखेंगे दोस्तों जब वीकली के डिमांड को हिट करी प्राइस, तब स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, देखिए तब नहीं हिट हुआ, उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर जा रही है। हाँ अब आप कहेंगे कि अगर वीकली का लोकेशन आपने मार्क कर दिया है तो हम तो छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे ना, 1 आवर, 2 आवर, 125 मिनट, 75 मिनट, या डेली पर चेक कर चल सकते हैं, तो मैं डेली भी देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप देखेंगे उसी वीकली के अंदर यहाँ पर एक डेली का डिमांड जोन है, बहुत सारी बेस कैंडल है, मानता हूँ बहुत सारी बेस कैंडल मानता हूँ, लेकिन इस डेली के डिमांड में एंट्री होती है तो देखिए क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, खुद देखिए नहीं हिट हुआ, और प्राइस ऊपर जा रही है। तो दोस्तों ये सब प्राइसन जो आपने शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा,
और दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही ग्रेट चीज़। ये मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, आप खुद देखिए निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों, मज़ा आने वाला है क्योंकि निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, निफ्टी बैंक और निफ्टी फिफ्टी का ये हमने बहुत दिन पहले जब मार्केट गिर रही थी, लोग पैनिक हो रहे थे कि मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, तभी हमने यहाँ पर वीकली के डिमार्जिन की मार्किंग किया था। यहाँ देखिएगा निफ्टी को रैली बेस रैली डिमार्जिन हमने मार्क किया करके दे दिया था बहुत दिन पहले, महीनों भर की पहले बात है दोस्तों। एंड आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी बैंक का रैली और ये 6 बेस कैंडल फिर रैली, ये भी मार्क करके हमने दे दिया था टेलीग्राम पर महीनों भर पहले। आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए और आप देखिए दोस्तों, अभी आपकी आंखें देखिए खुली की खुली रह जाएंगी कि कितना आसान है निफ्टी फिफ्टी बाई निफ्टी में ट्रेडिंग करना। कुछ नहीं मुश्किल है दोस्तों, कुछ भी नहीं मुश्किल है, कुछ भी। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है देखिए दोस्तों हमारे सामने, और यही वीकली का डिमांड जोन जो हमने आपको दिखाया था अभी टेलीग्राम पर, देखिए दोस्तों यही डिमांड जोन था ना, रैली एक ग्रीन कैंडल फिर एक बेस कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल। अगर मार्किंग कर दें तो बेस कैंडल की बॉडी से एंट्री लाइन और बेस कैंडल की लोअर विक से क्या होती है हमारी स्टॉप लॉस पॉइंट दोस्तों, ये तो होता है दोस्तों, ये मार्क किया, ये देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये आती प्राइस हमारे बिगली डिमांड में उसका नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है, नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है देखिए दोस्तों, 10-20 पॉइंट नहीं दोस्तों, 500-500 पॉइंट 600 पॉइंट का मूव। यही सेम पिक्चर दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए भी है, सेम पिक्चर निफ्टी बैंक के लिए है। आप देखेंगे यही बिगली डिमांड जो था दोस्तों, ये मार्क किया था हमने, ये सब ने ड्राइंग ड्रा कर रखी, जो भी ड्रा कर रखी है एकदम मार्केट वही कर रही है, कुछ भी अलग नहीं कर रही मार्केट, कुछ भी अलग नहीं कर रही है, कुछ भी। यही डिमांड मार्क किया था हमने अभी जो आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम पर, अगर मैं मार्क आप देखा टेलीग्राम पर चेक करिएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ सारी चीज़ें मैं होने के बाद बता रहा हूँ ना, होने के पहले बोला था। देखिए कैसे निफ्टी बैंक इस बिगली मार्क को हिट करती है, उसका नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है। आवाज में टेलीग्राम बोला कि मुझे कल जब मार्केट गिर रही थी मैंने कल ही बोल दिया था मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से रुकना चाहिए, अब यहाँ से मार्केट में अच्छा अप आ सकता है। मैंने बोला नहीं कि निफ्टी बैंक तुरंत 400-450 पॉइंट अप, निफ्टी बैंक लगभग निफ्टी फिफ्टी लगभग 100 पॉइंट अप। दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था डिमांड जोन को मैंने देखा कि प्राइस डिमांड जोन से होकर जा रही है तो ऊपर अप उसमें आना चाहिए, ये होता है जादू एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन का दोस्तों। बाकी इससे रिलेटेड जो वीडियो है डिमांड की कैसे मार्किंग करते हैं, सप्लाई मार्किंग कैसे करते हैं, बेस कैंडल्स क्या है, इन सारी वीडियोज का जो एक डिटेल वीडियो है इन सब का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इतनी मेहनत से बनाई गई वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ, आपका कमेंट और लाइक ये जरूर हमें दीजिएगा दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।